गुड आफ्टरनून, नमस्कार तुसा सभी दा हिमाचल महाभंडारा कोर्स में बड़बई स्वागत। सो एज यू नो, मैं हूं अनमोल मेहता और हम इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। सो इकोनॉमी स्टार्ट करने के लिए हम पहले ये देखना चाह रहे हैं, आज जो हमने कल इसका एनालिसिस करा कि क्या आप लोगों ने मेहनत करी कि नहीं करी, ढूंढा कुछ, सोचा कि मुझे इकोनॉमी आती है कि नहीं, तो ये आंखें खोलने के लिए सवाल करेंगे आज हम वेरी 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 बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज 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 आंसर इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर कमेंट में आंसर करते शर्म आती है तो व्हाट्सएप कर देना अपने आंसर्स, राइट। सो व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट डज इट मीन? जब इंडिया का रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, तो इसका मतलब क्या बना? क्या कमर्शियल बैंक्स के पास कम मनी आएगा लोन देने को? क्या रिजर्व बैंक के पास कम मनी आएगा लोन देने को? या यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू स्पेंड, या कमर्शियल बैंक्स विल हैव मनी टू लेंड, राइट? सो आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस चूज वन, प्लीज डू आंसर। विदाउट दिस वी कैन नॉट नो हाउ मच डू यू नो एंड हाउ मच यू डोंट नो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर जस्ट 20 बेसिक क्वेश्चन, प्लीज डोंट वरी, ये कोई भी मुश्किल सवाल ज्यादा नहीं है। सो सेकेंड क्वेश्चन इज सर, तो सेकेंड क्वेश्चन, द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय आरबीआई, आरबीआई के बैंक रेट को लो करने से, लोअरिंग ऑफ बैंक रेट से इन चारों में से क्या होगा? More liquidity in the market, less liquidity in the market, no change in the liquidity in the market, या फिर mobilization of more deposits by commercial banks. Very simple question again. Next question. Please pause करके अपने questions देखते रहना यार, कई बार ऐसा होता है कि question रह गया, जी सर आपने जल्दी पढ़ दिया, please pause करके देख लेना. So the RBI Act, third question, RBI Act as Bankers Bank, this would imply which one of the following? RBI acts as a banker's bank, this would imply which one of the following? Number one option, other banks retain their deposits with RBI. Sari banks deposits with RBI retain karti hain ji. Number two, RBI lends funds to their commercial banks in times of need. Ki RBI lend karti hai commercial banks ko. Number three, RBI advises the commercial banks on monetary matters, right? So what does it mean when we say RBI is banker's bank? So two only, three only, ye choose karna please, the options from A, B, C, D, right? So next question, very good question, which of the following measures would result in an increase in money supply in economy? These kind of questions are asked, HAS, HCS, UPSC, sari jagah aisa sa sawal aa jata hai ji. Which one of the following would result in increase in money supply? Kisse hoga ji increase? क्या G-Sec या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Sec मीन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या G-Sec खरीदने से, परचेज ऑफ G-Sec फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, कि पब्लिक से G-Sec खरीद लिए सेंट्रल बैंक ने, या डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय पब्लिक, नंबर थ्री बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, नंबर फोर सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, पहले ऑप्शन में खरीद लिया, दूसरे लास्ट में बेच दिया, ध्यान देना सर। सो करेक्ट कोड अगेन, वन ओनली टू फोर, इसमें से चूज करना है, वन ओनली टू एंड फोर, वन टू थ्री, टू थ्री फोर, राइट। सो मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स, बैंक रेट में इंक्रीज हो गया है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन है हमारे पास, दैट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अबाउट टू फॉल, Central bank is no longer making loans to commercial banks. Central bank is following easy money policy. सस्ते में पैसा देना, easy money. Or the central bank is following a tight money policy. महंगे में पैसा देंगे. Right? So out of these four options, bank rate का increase करना इनमें से किस चीज को indicate करता है? Right? So then, next and sixth question is, consider the following liquid assets.
liquid air does not mean pani. Air means kitni jaldi wo cash bante, right? I hope you know that. So demand deposit with banks, time deposit with banks, saving deposit with banks. Ye teen tarike ke deposits with bank hote hain. Saving deposits, time deposits, demand deposits, right? So demand deposit, time deposit are kinds of deposits with bank. So ye teen and currency. So decreasing order of liquidity mein lagana hai ji. So kaun sa isme sabse zyada liquid hai? Very very simple. आपने बताना है ये इन चारों में से कौन सा लिक्विड है इसको डिक्रीजिंग. प्लीज रिमेंबर द वर्ड हेयर इज डिक्रीजिंग, राइट? डिक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग. प्लीज रिमेंबर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम आरबीआई, lending by commercial banks to industry and trade. Third option is purchase and sale of government securities by RBI. Yeah, none of the above. Very basic question. The open market operation in mein se kaun sa hai? Right. So then next is a rise in general level of prices may be caused by. Rise in general level of prices ko hum bolte kya hai sir? Inflation. So it might be caused by. It may be caused by. An increase in money supply, a decrease in aggregate level of output, number three, an increase in effective demand. So in teenon mein se kis se mehngai badh sakti hai? Kya money supply ki increase se mehngai badhegi? Kya decrease in level of output se mehngai badhegi? Ya increase in effective demand se badhegi ya teenon se badh jayegi? So options aapne choose karne hai, one only, one and two, two and three, one, two, three. Right. Again, this is something to not a difficult question, but sometimes we get it wrong in our thoughts. That's why the practice at first hand. Right. Don't worry. We'll cover all these topics in our lectures. So ninth question, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Inme se sabse zyada mehngai badhane wala kaun ho sakta hai? Repayment of public debt. Agar public debt wapas kar diya jaye. Borrowing from public to finance a budget deficit, borrowing from banks to finance a budget deficit, या फिर printing new money to finance a budget. कौन सा सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाएगा? Please keep on commenting or WhatsApping your answers. Right? Then 10th is supply of money remaining the same. When there is an increase in demand for money, there will be. जब money की demand increase हो जाएगी तो क्या होगा जी? Supply of money remaining the same, increase in demand. So isse money pe kya asar hoga? A fall in level of prices, level in prices economy mein kam ho jayenge. Ya fir increase in rate of interest in the economy, decrease in interest rate in the economy, or increase in level of income and employment. So you have to choose ki money ki supply badhne se kya hoga. Right. Then 11th question, the term marginal standing facility rate, MSF जिसे बोलते हैं हम, and net demand and time liabilities are used in relation to what? Very 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 simple question. ये HAS में भी एक बारी ऐसा सा सवाल आया था, उसी से ये सारे questions actually HAS की nature पे predicted and simplest questions हैं, right? So कौन सा answer होना चाहिए जी इसका? अगर MSF की बात की जाए तो किस लिए वो news में रहता है या बार बार हम economics में पढ़ते हैं? इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लगता है? बैंकिंग ऑपरेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, सप्लाई एंड डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कैपिटल मार्केट फॉर कॉल. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. देन नेक्स्ट एंड 12th, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी, इट विल नंबर वन डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर टू इंक्रीज द कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, number 3 increase the investment expenditure in the economy, number 4 increase the total savings in the economy. So agar interest rate kam karte hain hum to in charon mein se kya effect hoga ji, ye aapko dhoond ke batana hai, dimag se dhoondna hai, google se nahi. 13th question, in the context of Indian economy, which of the following is or are the purposes of statutory reserve requirements? Statutory reserve requirements. You have to choose
among the four. So one option is, first one is to enable the central bank to control the amount of advances the banks can create. Ki central bank control kar sake advances. Dusra, ki people deposit with banks safe and liquid to make people's deposit safe and liquid. Ki kabhi bhi log ja ke apne paise nikal sake. Then third, to prevent commercial banks from making excessive profits. Fourth, to force the banks to have sufficient vault cash to meet their day-to-day requirements. Sirf shabdon ka khel hai sahab. Sawal bahut simple hai. So which of the four? One only, one and two, two and three, one, two, three, four. It's up to you. Give the answers in the comment section. You'll get the answer key. Don't worry. Right, then the 14th question. Choose the false statement among the following. Kaun si galat hai ji? Demand for money is equal to transaction demand plus speculative demand. Second, transaction demand is directly proportional to nominal demand, nominal GDP, sorry. Then speculative demand is inversely proportional to market rate of interest. D option, when the market rate of interest is minimum, speculative demand for money is zero. So ये थोड़ा concepts of economy में से आया है. ये मैं चाहूंगा मेरे भाई लोग, बड़े भाई लोग भी answer करें इसके. Right, please in the comment section. Total, next question, total liability of RBI is, first option, ये news में बहुत रहा था demonetization के time पे, please यार इसे ध्यान रखना please, ये वाले question को demonetization के time पे news में बहुत रहा था ये. So total liability of RBI is high powered money, total money supply in the economy, net demand and time liabilities, or none of the above. So total liability, total देनदारी RBI की कौन सी है, right? Next question, currency notes and coins are called fiat money. Fiat वाली गाड़ी भी आती थी ना, ये क्या है, बड़ी अच्छी सी गाड़ी होती थी वो fiat गाड़ी. So fiat money क्या है भाई, क्यों fiat money कहा जाता है? Since they have no intrinsic value, number one. Number two, they are made on special imported paper. That's true, but is it the answer? They are printed by government. They are exchanged for goods and services. So why are they called fiat money? Please answer that in the comment section. Simple question. Next, which of the following is the most commonly used measure to measure money supply, which is also known as aggregate monetary resources? Which of the following is the most commonly used measure to measure money supply, also known as aggregate monetary resources? इनमें से कौन सा एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है मनी सप्लाई को मेजर करने? ये आरबीआई की गिवन टर्म्स है, अगर आपको नहीं पता है, वील कवर इन लेक्चर्स, यू कैन गो ऑन टू द आरबीआई वेबसाइट एंड यू विल फाइंड इट देयर, M1, M2, M3, M4. गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? सो रिमेंबर द वर्ड फॉल्स, प्लीज फॉल्स से फॉल्स और ट्रू में गलत नहीं करना कभी पेपर में भी. Right, so RBI announces policy rates to target inflation. Number two, moral suasion is a qualitative instrument of monetary policy. The post governor of RBI is not a constitutional post. Number four, RBI acts as the debt manager of government. Right, so inmein se kaun si statement false? Right, next question, consider the following. Currency with public, जो करेंसी पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक्स में पड़ा हुआ पैसा, टाइम डिपॉजिट, एफडी टाइप के डिपॉजिट जो 2 साल बाद 5 साल बाद टाइम के साथ मैच्योर होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन M3? अगेन मनी के एग्रीगेट्स हैं जी M3. दीज M3 मीन्स व्हाट? एग्रीगेट्स ऑफ मनी, राइट? सो विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन M3? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2. You have to answer this. And the last question for the day, the number of times a unit of money exchanges hands during a unit period of time is called. Ek unit of money, ek unit of time mein kitna time circulate hota hai, hands change karta hai, use hum economics mein kehte kya hai ji? So do you know that? Kya use velocity of circulation kehte hai, स्पीड ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं, मोमेंटम ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं, या काउंट ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं?
So this is physics and economics, right? So anyways, these were the questions. Thank you so much. If you know them, if you don't know them, please try to comment the answers or WhatsApp me the answers. We will provide you the answer key. We will provide you the learning as well on these questions. Don't worry about that. The concept lectures would begin tomorrow. We will start with basics of economy. अगर ये सवालों में आपके नंबर 20 में से 12 से कम आ रहे हैं, so there is a good call to worry. Please follow each and every lecture very well and try to attempt these questions for yourself. Comment the answers. Till then, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, सभी जीवों का, बड़े भाई धन्यवाद, दिल से धन्यवाद. Most welcome. Thank you so much for everything. Immense love. For your immense contributions. कुछ लोग तो मुझे even ये भी message आया था, सर जब मैं चंडीगढ़ आऊंगा मैं सेब लेके आऊंगा आपके लिए. So यार ठीक है, most welcome, but no fees, nothing. So God bless you all. See you all when you're selected. Thank you.